राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बड़ा बयान दिया जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से अजीत डोभाल की निगरानी में सारी नीतियां बनाई जा रही थी। वैसे तो वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं जोरदार बोलते हैं। इस बार उन्होंने कैसे पाकिस्तान और आतंकवादियों को चेतावनी दी, देखिए इस रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान आतंकवादियों को खत्म करने में सफल तो हो ही रहा है, लेकिन अब उनका निशाना आतंकवादियों की विचारधारा को खत्म करना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि पिछले 3 दशक से दुनिया आतंक से लड़ रही है। आतंकवाद से लड़ना हर किसी की सोच में है, लेकिन आतंकियों को मारकर, आतंकियों को खत्म कर, फंडिंग को रोककर आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। इन्हें खत्म करने के लिए आतंकी विचारधारा को खत्म करना जरूरी है, उनके भविष्य को खत्म करना जरूरी है, उनकी विचारधारा पर चोट करना जरूरी है। नई दिल्ली में NIA से जुड़े एक कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया, जिसका इस्तेमाल वे भारत के खिलाफ कर रहा है। अजीत डोभाल की रणनीति की वजह से NIA ने कश्मीर में आतंकवाद की कमर को तोड़ दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों के फ्लो के रुकने से अलगाववादियों को बड़ी चोट लगी है। जिन लोगों को विदेश से पैसा मिल रहा था, अब उसमें कमी आई है। अजीत डोभाल ने कश्मीर में आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि भारत में जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर है, जिसमें सत्ता ही आतंकियों को बचाने का काम करती है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान में हर आतंकी केस को भी सामान्य केस की तरह देखा जाता है। पाकिस्तान सोचता है अपने इरादों को पूरा करने के लिए आतंकवाद सस्ता रास्ता है, जो सामने वाले को अधिक नुकसान पहुंचाता है। अजीत डोभाल ने ये भी कहा कि सिविल सोसाइटी को आतंकी का डर नहीं होना चाहिए। आतंकियों को खत्म करने के अलावा सबसे जरूरी चीज है कि उनका सपोर्ट कौन है, इससे मुकाबला करना सबसे जरूरी है, जिसमें टेरर फंडिंग सहित कई चीजें प्रमुख हैं। इस पर एजेंसियों को काम करना चाहिए। डोभाल ने कहा कि प्रदेश की जांच एजेंसियों की कार्रवाई प्रमुख है। सिविल सोसाइटी को टेररिज्म से बचाना इनकी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से ही राज्य में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह की तरफ से हमला करने का खतरा बढ़ गया है। देखना यह है कि मोबाइल कनेक्शन चालू होने के बाद और कर्फ्यू हटने के बाद सरकार किस तरह आतंकियों से निपटती है। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से अजीत डोभाल लगातार कश्मीर पर नजरें बनाए हुए हैं। उनकी ही रणनीति का नतीजा है कि पिछले 2 महीनों में कोई हादसा नहीं हुआ। आज पहली बार वो मीडिया के सामने आए और देश को भरोसा दिलाया कि कश्मीर की स्थिति कंट्रोल में है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।